स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं दक्षिण अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश पेरू। पेरू की ऑफिशियल लैंग्वेज पेरू गणराज्य है। पेरू की राजधानी लीमा है। यहाँ पर करीब 32 मिलियन जनसंख्या बसते हैं। पेरू का क्षेत्रफल 1.25। यहाँ की प्रमुख धर्म ईसाई धर्म है। यहाँ के लोगों का जीवन दर 72 वर्ष पुरुष के लिए और 77 ईयर महिला के लिए है। पेरू से जुड़ी और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। पेरू नीदरलैंड से करीब 30 गुना बड़ा देश है। अमेजन रिवर पेरू से ही स्टार्ट होती है और यह अटलांटिक महासागर में विलीन हो जाती है। मक्का पेरू वासियों का प्रमुख आहार है। पेरू सभी रंगों में मक्का पाया जाता है। करीब यहाँ 55 प्रकार की मक्का पाई जाती है। यहाँ की गिनी सुगर भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 65 मिलियन गिनी सुगर का उपयोग करते हैं। पेरू में सन मोक्रेस का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो अमेरिका से काफ़ी पुराना है और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले विश्वविद्यालय हैं। इसकी स्थापना करीब 1551 ईस्वी में हुई थी। कोका चाय एक बहुत लोकप्रिय पेय है। पेरू वासियों कोका चाय के रूप में काफ़ी उपयोग करते हैं। वहाँ के लोग इसे औषधि के रूप में भी देखते हैं। पेरू की अगर जीडीपी की बात की जाए तो यहाँ पे करीब 220 बिलियन डॉलर पेरू की इनकम है, जबकि इसकी प्रत्येक व्यक्ति आय की बात करें तो यहाँ की प्रति व्यक्ति 7165 डॉलर है। पेरू में आलू की उत्पादन 3000 से अधिक किस्मों में मिलती है। यहाँ मूल रूप से भोजन के रूप में आलू का उपयोग करते हैं। पेरू कई इलाकों में बिल्लियों को खाने की परंपरा है। पेरू वासियों बिल्ली की मांस को बड़ी चाव से खाते हैं। दुनिया में सोने के उत्पादन के मामले में पेरू विश्व में 6ठे स्थान पे है। सोना उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पेरू के लोग नए साल में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को येलो कलर की अंडरवियर गिफ्ट में देते हैं। पेरू में यह भी रिवाज है कि यदि किसी लड़का लड़की को अगर शादी हो तो वह शादी से पहले ट्रायल करती है। उसी समय एक दूसरे पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। बाद में वह अलग भी हो सकते हैं। इसके दौरान यदि बच्चा पैदा होता है तो उसे कम्युनिस्ट में दे दिया जाता है। पेरू की लड़कियां वेश्यावृत्ति अपनी शौक से करती है। वेश्यावृत्ति की मामले में पेरू देश दुनिया में नंबर 1 है। यहाँ पर करीब टोटल महिला के 10% वेश्यावृत्ति में शामिल होते हैं। यहाँ के कैदियों को मिर्च नहीं दी जाती है। यहाँ की सरकार की मानना है कि अगर मिर्च खाते हैं तो सेक्स करने की चाहत बढ़ता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम वास्करण है, जिनकी ऊंचाई करीब 6768 मीटर है। पूरी दुनिया में जापान और पेरू ही एकमात्र ऐसा देश है जो डॉल्फिन की मांस खाते हैं। अमेजन जंगल का 60% हिस्सा पेरू देश में ही फैला हुआ है। दोस्तों पेरू देश से जुड़ी अमेजिंग फैक्ट आप लोगों को कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।